मुझे याद है डोंगरगढ़ में जब मैं था, गुरुदेव ने एक ज्यादा समझदार बनने वाले बच्चे से प्रश्न पूछ लिए। वो बच्चा वही दुर्ग तरफ का था, नाम मैं उसका जानता हूं लेकिन बोलना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो वो जाकर के गुरुदेव से तरह तरह की बातें कर रहा था। गुरुदेव ने उस लड़के से चार प्रश्न पूछे, वो प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आपको अच्छा लगेगा। गुरुदेव ने पूछा, अच्छा बताओ तुम्हें क्या दिखाई देता है, प्रश्न देखिएगा, तुम्हें क्या दिखाई देता है। तो वो बच्चा पूछता है मतलब, फिर गुरुदेव कहते हैं संसार में जो देखना चाहते हो वो दिखाई देता है, दूसरा जो दिखाया जाता है वो दिखाई देता है, जो है वो दिखाई देता है कि जो हो सकता है वो दिखाई देता है। चार प्रश्न पूछे थे गुरुदेव ने। मैं आप सबसे भी वो प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपको संसार में क्या दिखाई देता है। एक साधु को देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, जो देखना चाहते हैं आप क्या वो दिखाई देता है? नहीं महाराज। तो क्या दूसरा कोई जो आपको दिखाता है वो क्या दिखाई नहीं देता? हाँ महाराज, वो दिखाई तो देता है। किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह दे, कुछ भी किसी के भी बारे में, उसके बारे में जब अपन किसी के बारे में कुछ सुन लेते हैं और सुनने के बाद जब उसको देखते हैं तो फिर हमको वो चीज दिखाई देने लगती है। ऐसा हुआ होगा, तुमने ऐसा किया होगा, तुम ऐसा बोल सकते हो। क्या हमें जो दिखाया गया हमने वो देखा? ये संसारियों की स्थिति है, संसारियों की स्थिति है। हमें जो दिखाया गया हमने वो देखा, हम जो देखना चाहते थे हमने वो देखा। संसार में रहकर के दो चीजें, दो स्थितियां बनती हैं। आपको कोई दिखाए वो आप देख लेते हैं, जो आप देखना चाहते हैं आप वो देख लेते हैं। कई बार आचार्य परमेष्ठी के कमरे में जाकर के हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि घंटों खड़े रहते थे, बात नहीं हो पाती, लेकिन बैठे बैठे कल्पना करते रहते थे, ऐसा बोलूंगा, ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हमारे आचार्य सी हैं, हमारी बात तो मान लेंगे, हम जो चाहते हैं वो हमें दिखाई देता है। अब आचार्यों के साथ क्या होता है, आप जो हैं उनको वो दिखाई देता है। अब स्थितियां बदल जाती हैं, हमें हम जो चाहते हैं वो दिखाई देता है, जो दिखाया जाता है वो दिखाई देता है। गुरुदेव को जो है वो दिखाई देता है और जो आपके साथ अच्छा हो सकता है वो दिखाई देता है। दोनों की दृष्टि में वो जो दो फर्क होते हैं, उन दो फर्कों में, अंतिम दो फर्कों में वहां तक पहुंचने के लिए जिस पवित्र आत्मा की जरूरत होती है उसको आचार्य कहते हैं। पहली बार जब पढ़ा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तो बड़ा अच्छा और सरल सा लगा, लेकिन बाद में गुरुदेव ने एक दिन कह दिया कि सिर्फ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। तो महाराज वो सूत्र झूठा? सूत्र झूठा नहीं, सूत्र झूठा नहीं, लेकिन सिर्फ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग होता तो इतने सारे ग्रंथ नहीं लिखे गए होते। क्योंकि एक बार परंपरा से किसी एक को सुनाई दिया होता और वो आत्मसात करके और मोक्ष को प्राप्त कर लेता, तब गुरुदेव कहते हैं लोकोपयोगी जीवन जीना भी मोक्ष मार्ग की जरूरत है और ये भी एक मोक्ष मार्ग है। आप इस शब्द पे गौर करिएगा। कल तक आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जब आपकी नजरों में आचार्य नहीं थे, हमारी नजरों में भी नहीं थे ऐसा मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि हम उन्हीं के पलाए, उन्हीं के बड़े किए हुए लोग हैं। गुरुदेव ने दीक्षा देने के बाद बड़े महर्षि के पास ही भेजा था कि अब आगे का सारी जवाबदारी उनकी है, वो बहुत अच्छे से संभालेंगे, आपको उनके पास रहना है। तो जो भी शब्द मिले वो बड़े महर्षि आज आचार्य महर्षि समय सागर जी महाराज की हम लोगों के ऊपर पिछले 25 सालों से लगातार कृपा बरसती रही।
सन 2000 में मैं आया, 2000 से 2024 तक, अभी भी जब मैं इस उद्बोधन को देने के पूर्व आचार्य जी के कमरे में गया तो उन्होंने कहा नम्र ऐसा नहीं, ऐसा बोलना है। हमने कहा महाराज जी आप जैसा कहते हैं बिल्कुल वैसे ही, वो जो आप नहीं चाहते हैं वो मैं भी नहीं बोलूंगा। फिर मुस्कुरा दिए, आशीर्वाद दिया और मैं यहां पर आकर के बैठ गया। यहां पर आकर के मैं उस बात को सोच रहा था कि इसी कुंडलपुर में जब गर्मियों में गुरुदेव ने मुझे प्रवचन के लिए पहले बोला था, तब आचार्य भगवंत कहे तो संग कथापि जगदाम दृढ़ता निहंति नम्र। हमने कहा ये क्या? गुरुदेव बोले कि प्रवचन नहीं बोलते उद्बोधन को, उस उद्बोधन को धर्म कथा कहते हैं। और कैसी धर्म कथा? कि किसी साधु के मुख से निकले तो तत्संग कथापि जगताम दुरिता निहंति, तुम्हारा वो प्रवचन किसी का दुरित हर ले, तब उस उद्बोधन की, उस धर्म कथा की सार्थकता है। ये शब्द गुरुदेव ने आज से 2 साल पहले जब कुंडलपुर महोत्सव हुआ, गुरुदेव अपने कक्ष पर लेटे हुए थे, वयावृत्ति चल रही थी, और हंसते हंसते मुस्कुरा करके बोले तत्संग कथापि जगताम दुरिता निहंति। हमने कहा दूरे सहस्त्र किरण कुरते प्रभैव, कि आप यहीं से बैठ करके वहां पे अपनी प्रभा छोड़िए, तब जा करके जगताम दुरिता निहंति। तो आचार्य सी बोलते हैं यहां बातें मत करो, वहीं जाओ वहीं बोलना, लेकिन धर्म कथा दुरिता निहंति। हमने कहा नमोस्तु किया और चला आया। आज भी बिल्कुल वही हुआ बंधु, जब गुरुदेव के पास गया तो गुरुदेव बोले तत्संग कथापि जगताम दुरिता निहंति, वहीं पे गला सब भरने लगा कि गुरुदेव की भाषा गुरुदेव को कैसे आ रही है। जब ये देखा फिर बाद में बार बार सोचता रहा, हो सकता है सिंहासन की महिमा हो, ये सिंहासन की महिमा भी बड़ी अद्भुत है। शब्द बहुत सीमित होते हैं, समय भी सीमित होता है, कुछ छोटी छोटी बातों को बताकर शब्दों को विराम भी दूंगा। गुरुदेव से फिरोजाबाद में एक बहुत बड़े प्रोफेसर साहब ने चातुर्मास के दौरान पूछा, वो बात आप लोग गौर करिएगा, कि नया नया सिंहासन बनकर के आया था आचार्य महाराज, सिर्फ 30-32-31 साल की उम्र पे थे, केशलोच किया था तो चेहरा बिल्कुल सूरज के जैसा चमक रहा था गुरुदेव का। चमकते हुए सूरज में जब बिल्कुल गुलाबी हाथ उठा करके आशीर्वाद देते, और बिल्कुल नया सिंहासन था, नए सिंहासन पर बैठ करके दूर से देखने पर ऐसी अद्भुत मुस्कान के साथ गुरुदेव की वह औदारिक शरीर इतना सुंदर दिख रहा था कि प्रोफेसर साहब पास में आकर के मुस्कुरा करके गुरुदेव से पूछते हैं, गुरुदेव मुस्कुरा रहे थे, गुरुदेव से पूछते हैं आचार्य महाराज सिंहासन का आनंद तो आता होगा ना। पूछ लिया गुरुदेव से कि सिंहासन में बैठने का आनंद तो आता होगा। आचार्य भगवंत तुरंत मुस्कुरा करके कहते हैं आनंद सिंहासन में बैठने का नहीं है, हाथ में पिच्छी का है, ध्यान रखिएगा। इतनी जल्दी आप जवाब नहीं सोच सकते जितनी जल्दी गुरुदेव ने जवाब दे दिया कि सिंहासन में बैठने का आनंद नहीं है, आनंद तो मेरे पास मेरे गुरु की दी हुई इस पिच्छी का है, इस पिच्छी के आनंद से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। आपको लगता है कि नए सिंहासन पर बैठने से मुस्कुराहट रहती है? ये बात उस वक्त आचार्य महाराज ने फिरोजाबाद में कही थी, वो बात आज भी लागू है बंधु। आज भी आपको लगे कि चमचमाते हुए सिंहासन पर बैठने पर बड़ा आनंद आता है तो ध्यान रखिएगा, आनंद तो सिर्फ बड़े बड़े आचार्यों को उनकी पिच्छियों का आता है। उनको जब पिच्छी हाथ में उठाते हैं तो याद रहता है कि मैं भले किसी का भी गुरु बन गया हूं लेकिन ये पिच्छी मेरे गुरु ने मुझको हाथ पे दी है। वो लगातार जीवन पर्यंत उनके हाथ की दी हुई पिच्छियां आचार्य परमेष्ठियों के हाथ में रहती है। फिर आप वो कमाल देखिएगा जिसकी शुरुआत मैंने करी थी, नमो घोर परक कमाड़म, कि ताकत आ गई हथेली से पूरा समुद्र खाली करने की, धक्का देने पर एक पर्वत को हिला देने की। ऐसे एक दो नहीं, कई आचार्य इस सृष्टि पर हुए बंधु।
हमने वो अपनी आंख से नहीं देखे। जब हमने पढ़ा कि किसी आचार्य परमेष्टि के शरीर से होती हुई हवा किसी श्रावक को लगी तो वो श्रावक का रोग दूर हो गया, ये भी साधना का चरम था, लेकिन आया कहां से? हमने सुना कि किसी आचार्य महाराज ने किसी श्रावक के घर में पात्र के जो नीचे पात्र रखा रहता है उस पात्र में थोड़ा सा थूक दिया या पसीना गिर गया तो उनके पसीने और थूके हुए थूक में भी औषधि रिद्धियों के साथ एक मुनि का जीवन होता है। एक मुनि क्या गजब की चीज होती है, आप देखो ना एक बार कि सियार जाकर के, सियार समझते हो, दिन और रात के भेद के बिना जो मांस में पड़ा रहता है खाता रहता है वो सियार भी ऐसे आचार्य परमेष्टि के सामने जाकर के रात्रि भोजन का त्याग कर देता है। समझते कम समझते आचार्य परमेष्टियों को, लगता है कोई जरूरत नहीं है, लगता है अपने हिसाब से जिंदगी जी लेंगे, लेकिन देखिएगा कि गुरुओं के साथ रह करके साधु जीवन में कितना कुछ मिलता है। और जो लगातार 45 साल तक आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की छाया बन करके रहे हैं, संबंधों की कितनी गहराई होगी एक बार आप देखना। याद है मुझे मूलचंद जी लोहड़िया साहब ने बीना बारह में जब गुरुदेव से कहा कि हर कमरे में साधु, हर कमरे में श्रावक, हर कमरे में हंसी मजाक हो रहा है, ये साधु क्या खाक साधना करेंगे, ये सब मूलचंद जी लोहड़िया जी ने, पंडित जी ने गुरुदेव से कहे। गुरुदेव ने कहा कि पंडित जी ये जो साधु दीक्षित हुए हैं ये मेरे भरोसे अपना घर छोड़ करके आए, इनको पार लगाना मेरी जवाबदारी है, इनकी जवाबदारी नहीं है। ये शब्द गुरुदेव ने कहे और गुरुदेव चले गए तो लगता है कि हम और आप अधर में हैं, ऐसा लगता है नहीं। संबंधों की वो गहराई थी गजब की कि नाव जिस पतवार को खे रहे थे गुरुदेव, वो पतवार समय सागर जी महाराज के हाथ में दी कि मेरे शिष्य हैं, इनको पार लगाना तुम्हारी जवाबदारी है, तुमको आचार्य बना करके जा रहा हूं। जब इतनी गहराई संबंधों में होती हो तब जाकर के उस सिंहासन पर फूल फलों से जो लदे घनी छांव के वृक्ष और शरणागत को शरण दें। हमारे साथ क्या, हमको करना क्या है, हमको सिर्फ शरणागत होना है, शरणागत को शरण दे, शमणों के अध्यक्ष, वो पूरी इस शमण संप्रदाय के जो अध्यक्ष बन करके उम्र के उस पड़ाव में बैठे हैं जिस पड़ाव में आदमी कुंदकुंद का जीवन जीना पसंद करता है। आचार्य भगवंत ने उस उम्र में उनको समंत्रबद्ध बनने के संकेत देकर के गए। समंत्रबद्ध महाराज का जीवन ओजस्वी था, कुंदकुंद भगवान बिल्कुल शांत स्वभावी थे, लेकिन हमारे गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज तपस्वी, तेजस्वी, दिव्य, भव्य और नव्य के साथ शांत भी हैं। बंधुओं एक साथ सब कुछ एक जगह पर मिल जाना बड़े सौभाग्य की बात होती है। हम सबको फिर मिल गए, हम सबको गुरुदेव क्या मिले, अभी ऐसा लगता है जो थोड़ी बहुत गर्मियों में बादल आते हैं इनसे भी कुछ उम्मीदें लोगों को हो जाती हैं, लेकिन गर्मियों के बादल किसी काम के नहीं। और आचार्य तो बारिश के वो काले बादल होते हैं जो गरजते बिल्कुल भी नहीं, समझते हो शब्दों को फिर से बोलूं, आचार्य महाराज गरजते बिल्कुल भी नहीं और बरसते इतना है कि तुमको तृप्त करके जाएंगे, ऐसे आचार्य परमेष्टि बंधुओं। ये सौभाग्य है हमारे और आपके जीवन का कि हमारी विशुद्धि बढ़ाने के लिए, हमें प्राश्चित देने के लिए, हमें मार्ग पर स्थिर करने के लिए, आचार संहिता को बरकरार बनाए रखने के लिए गुरुदेव ने जो हमको वरदान दिया है उस वरदान की भगवान समझ करके हम पूजा करें। आचार परमेष्टि की वरदान समझ के नहीं, भगवान समझ करके पूजा करें, यह हमारा दायित्व है। आचार भगवंत ने पपौरा में एक बात कही थी, वो बात भी मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आज प्रासंगिक है तो बोल देता हूं, दो पांच मिनट का समय है बस मेरे पास।
गुरुदेव ने कहा कि पात्र के बिना, पात्र के बिना पानी टिक नहीं सकता। और फिर बोलते हैं गुरुदेव कि बस एक शब्द का अंतर है, पात्र के बिना प्राणी टिक नहीं सकता। हमने ये शब्द सुना और फिर गुरुदेव से जाकर के दोपहर में कहा कि भगवान पंक्तियां कितनी सार्थक हैं कि पात्र के बिना पानी टिक नहीं सकता। बात बिल्कुल सही है और ये बात भी बिल्कुल सही है कि पात्र के बिना, इस औदारिक शरीर के बिना प्राणी टिक नहीं सकता। हमने जो गलतियां अपने गुरुदेव के साथ की हैं, मैं पूरी दुनिया के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि नए आचार्य परमेष्टि के साथ आप वो गलतियां ना करिए। क्या महाराज हम कोई गलती करते हैं? करते हैं ना। देखो ना, जब गुरुदेव खुद कहते हैं कि पात्र के बिना प्राणी टिक नहीं सकता, तो फिर हमारी जवाबदारी है कि जिस पात्र से और जिस भव्य आत्मा से हमारे जीवन का चरमोत्कर्ष उत्थान और विशुद्धि स्थान हमको मिलते हैं, उनके भोजन आहार इत्यादि के समय हम उपद्रव न मचाएं। उपद्रव मचाते हैं ना। क्या आचार्य महाराज को आहार देना है एक ग्रास, अब उपद्रव सुनो, धूम धड़ाका शुरू, एक आदमी यहां से, एक आदमी यहां से, दिग्देशे खगा इत्ते सम बसंती नगे नगे, हर तरफ से प्राणी आता है और आचार्य परमेष्टि के चौके में घुसना चाहता है। अब वहां हवा नहीं, वहां पर विशुद्ध स्थान नहीं, सोला खराब कर दिया, शुद्धि बोली नहीं, पैर धोया नहीं, हाथ धोया नहीं, बस हमें तो एक मैदान जंग में उतर गए हैं। उतर करके कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके एक ग्रास के देने के चक्कर में किसी का पात्र टूटता हो। अगर आपके रोज के एक एक दिन के आहार दान की इस तरीके की दुर्व्यवस्था से गुरुदेव का यह औदारिक शरीर रूपी पात्र रोज थोड़ा थोड़ा भी छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न हुआ, तो फिर ध्यान रखिएगा, दोबारा ऐसे दर्शन अब विश्व में कहीं नहीं होंगे। जो एक बार गलती कर दी आचार्य परमेष्टि के साथ, तो मैं देखता चला आया जीवन भर 55 सालों तक गुरुदेव कभी आहार के लिए जाना चाहते, जहां जाना चाहते वहां कभी जा नहीं पाए, और जो लेना चाहते वो कभी ले नहीं पाए। कभी उनने सोचा कि साफ शुद्ध उबला पानी पी करके आ जाऊं, तो मुझे ऐसा लगा कि कभी गुरुदेव को साफ शुद्ध उबला पानी भी हम अपनी अति भक्ति के कारण दे नहीं पाए। अति भक्ति में महाराज सोने का पानी है, चांदी का पानी है, तांबे का पानी है, आप ले लो, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन कभी उनके अंतर मन से नहीं पूछा कि भगवान आपके अंतर मन में भी तो कुछ होता होगा ना, आपको भी तो लगता होगा कि आज सिर्फ हमें दाल चावल ही लेकर के आना है, लेकिन हम शुरुआत से लग गए बाफला हाथ में ठूसने में, और हमने दिया और गुरुदेव ने बड़ी मजबूरी के साथ यथालब्ध का नियम लेकर के, अब जो मिला किस्मत है, गाड़ी चलाने के लिए साधु ने तो सीख लिया, ओघन है, गर्द पूरन है, गोचरी वृत्ति है, हम करके चले आए। लेकिन हमारी थोड़ी सी नासमझी ने जैसे पूज गुरुदेव के उस पात्र को, लगता है मुझे कई बार कि हमारी आपकी गलतियों के कारण गुरुदेव ने देह विसर्जित कर दिया। मैं आपसे वो बात कहना चाहता हूं पूरी दुनिया के लोगों से कि आचार्य परमेष्टि के जब कभी भी कहीं भी आहार हो रहे हो, 15 फीट दूर खड़े हो जाओ, उनके चौके में हवा आने दो, जाने दो, हाथ जोड़ो, गुरुओं से प्रार्थना करो कि भगवान मेरे आचार्य परमेष्टि का आहार निरंतराय हो जाए, क्योंकि पात्र के बिना पानी टिक नहीं सकता और पात्र के बिना प्राणी टिक नहीं सकता। हमारी थोड़ी सी अति भक्ति कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे आचार्य परमेष्टि के पात्र को खराब करती है। लेकिन हम जबरदस्ती घुसते, हमको लगता जवान लड़के की जठाग्नि में और बूढ़े वृद्ध की जठाग्नि में अंतर होता कि नहीं। जवान बच्चे से पूछो क्या खाना है, तो वो कभी घर की दाल रोटी नहीं खाता, पिज्जा बर्गर चाउमीन कचौड़ी पोहा चाय कॉफी दुनिया भर की चीजें। मां कहती है आके, महाराज घर का खाना ही पसंद नहीं है। अब आप ठहरे जवान बच्चे, आपको लगता है बड़ा स्पाइसी दे दे अपने गुरु को, बड़े स्वस्थ हो जाएंगे, 2 चम्मच घी और मिला दो। पूछा ही नहीं कि हो सकता है घी ज्यादा देने से पेट में कमी पड़ती हो सकता है लीवर खराब होता हो,
हो सकता है कि पेट में गैस बनती हो, अफरा होता हो, दस्त लगते हो, लेकिन अति भक्ति में हमने जो कुछ करते हैं, ये अति भक्ति भी कई बार हमारे लिए एक कष्टमय हो जाती है। आचार्य परमेठी तो सह लेते, कभी उनोदर करके, कभी अनशन करके, कभी एकासन, एकासन तो उनका जीवन भर ही है, लेकिन हम अपनी कल्पनाओं में भी देखिएगा बंधुओं, दूर तक आज जो मेरी आवाज जा रही है, आप सबकी इच्छा हार्दिक होगी कि नए आचार्य परमेष्ठी को हम आहार दान दें। लेकिन मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि गर्मी का भीषण समय शुरू हो गया है, 100 दिन के जबरदस्त पेपर साधु वर्ग के शुरू हो गए हैं, पैर में फोले छेले, चेहरे पे मुस्कुरान, बहता हुआ पसीना, ये सब एक साथ चलने वाला है बंधुओं। बस शब्दों को विराम दूं, मेरा समय खत्म हो गया, लेकिन आप प्रार्थना करिएगा जहां कहीं से भी आप रहते हो, हाथ जोड़ करके कि मेरे आचार्य परमेष्ठी जिसके यहां भी आहार करें, भगवान उनका आहार निरंतराय हो, उनके अनुकूल मिले, उनके मनोनुकूल मिले, जिससे उनका शरीर स्वस्थ रहे, और हम सबको प्राश्चित, हम सबके लिए प्रतिक्रमण, हम सबके लिए विशुद्ध स्थान जो गुरुदेव दे करके गए हैं वो बना रहे। शब्दों को विराम दूंगा, पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मेरे राज की जय।